वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश जी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट के ऊपर। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात किया था वो हमने बात किया था ऑन ऑर्डर लिस्ट के ऊपर। आज के लेक्चर में जो बात करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है उसमें हमने देख रखा है, और ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए वो चीजें जो मैं बात करता हूँ। हमने क्या किया था, ऑन ऑर्डर लिस्ट में जो हमारी लिस्ट बनी थी उसमें बुलेट पॉइंट का यूज किया था, लेकिन इसमें जो हमारा होगा ऑर्डर लिस्ट में जो हमारा ऑर्डर बनेगा उसमें हम नंबर का यूज करेंगे। नंबर के थ्रू जो है होगा इंस्टीट्यूट ऑफ बुलेट पॉइंट, ठीक है। और इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर को कहाँ से जो हमारा ऑर्डर लिस्ट शुरू होगा इसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट देकर भी हम यूज कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग एट्रीब्यूट जो है स्टार्ट एट्रीब्यूट देकर भी जो है इस चीज को देख ले सकते हैं। यानी स्टार्ट एट्रीब्यूट सपोज चाहे कि आप चाहते हैं कि ये जो हमारा एट्रीब्यूट है वो 11th नंबर से शुरू हो या 11th नंबर से शुरू हो या 5 नंबर से शुरू हो या 6 नंबर से शुरू हो, तो उसके बाद जितना सारा हमारा लिस्ट आइटम हो 5, 6, 7 से शुरू होगा, चाहे तो आप 11 से शुरू कर सकते हैं या फिर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 1 से शुरू हो जाता है, 1, 2, 3 चलता रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलता रहता है। तो आप जो है इसका यूज करके भी हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करके जो है जहाँ से भी चाहते हैं चाह सकते हैं। एक होता है इसमें टाइप का यूज कर सकते हैं, किस टाइप का ऑर्डर लिस्ट चाहिए, ए, रोमन, इटालिक, अल्फान्यूमेरिक, कोई भी हो उससे हम यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को देख लेते हैं और बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट हमने देख लिया, ठीक है। तो आपका ये बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने एचटीएमएल का यूज कर रखा है, हेड टैग है, हेड टैग के अंदर जो हमारा टाइटल सेक्शन ऑर्डर लिस्ट। अब हम जो शुरू करने वाले बॉडी सेक्शन शुरू करने वाले, बॉडी सेक्शन के अंदर जो हम जो पहले ही बात कर रखे कि ऑर्डर लिस्ट को जो है हमने ओएल से रिप्रेजेंट करना है, ओएल से जो है हमारा ऑर्डर लिस्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा। और इसके अंदर जो हम बात करेंगे लिस्ट आइटम रखेंगे अपना, जो लिस्ट आइटम हमने लास्ट में क्या रखा था, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, तो हम वही कर लेते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 ही रख लेते हैं। स्टूडेंट 1 ये हो गया, और इसे हम क्या करते हैं आपको कर्सर बीच में ले जाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करना है बार बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉपी हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट 1 ये हो गया, और ये स्टूडेंट 2 हुआ, और ये स्टूडेंट 3 हुई, और ये स्टूडेंट 4 हुआ, और ये स्टूडेंट 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑर्डर लिस्ट है, और ऑर्डर लिस्ट कैसे दिखेगा आपको दिखना है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 5 है हमने यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट होता तो ये जो 1, 2, 3 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 1, 2, 3 लिखा इस साइड जो है हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड 1, 2, 3 लिखा हुआ है ये हमारा जो है बुलेट होता, लेकिन हमने ऑर्डर लिस्ट लिखा इसलिए यहाँ बुलेट नहीं, यहाँ पे क्या हुआ नंबर आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑर्डर लिस्ट है, और इसे हम और भी चीज़ें फॉर्मेट कर सकते हैं। सपोज ये चाहते हैं क्या, ये ऑर्डर लिस्ट जो है हमारा ये 1, 2, 3 से स्टार्ट ना हो, हमारा जो ऑर्डर लिस्ट हो स्टार्ट हो 10 से 11 से। तो हमने स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज किया, और जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं सपोज करते हैं 11 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका जो ऑर्डर लिस्ट होगा 11 से स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट 11th नंबर पे जो होगा स्टूडेंट 1 होगा, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर लिस्ट जो है स्टूडेंट 1 जो है 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ 11 से स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है आपका ऑर्डर लिस्ट हो चुका है, और यहाँ पे टाइप जो है एट्रीब्यूट देकर जो है हमने आपने जहाँ से भी स्टार्ट करना कर रखे हैं। सेकेंड जो हमारी चीज़ है इसमें हम जो स्टार्ट वाले चीज़ को हम देख ही रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अब क्या करें कि हम इस सेक्शन को जो नंबर है इस नंबर से नहीं, हम चाहते हैं इसका एक टाइप हो ए बी सी डी आए, तो हम क्या करेंगे इसमें टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और टाइप एट्रीब्यूट में जो भी चाहते हैं आप ए से, तो कैपिटल ए से जो है आपका ये शुरू हो जाएगा और जो ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, यानी ए बी सी डी ई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये शुरू हो चुका है। तो अब जो भी टाइप चाहें आप, टाइप चाहें तो रोमन भी दे सकते हैं, तो रोमन लेटर में भी यहाँ पे आ जाएगा, आप चाहें तो स्मॉल ए भी दे सकते हैं, तो स्मॉल ए बी सी डी से आ जाएगा, तो आपका स्मॉल ए बी सी डी से आ गया, ठीक है। तो ये आपका टाइप के थ्रू भी है ऑर्डर लिस्ट लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि आप चाहें तो इसे रोमन भी कर सकते हैं, रोमन के लिए आपको क्या है कैपिटल आई का यूज कर ले तो हो सकता है एक्स्ट्रा रोमन आ जाएगा, ठीक है। तो रोमन फॉर्मेट में आ गया, और चेक कर लेते हैं रोमन में आए, देखिए रोमन में आ चुका है 1, 2, 3, 4, 5, तो रोमन लेटर में भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ऑर्डर लिस्ट। इसके अलावा हम चाहते हैं क्या, जो हमने पहले में क्या देखा कि अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं टाइप में तो ये आपका सिंपल 0 to 1, 2, 3, 4, 5 जो यानी 1, 2, 3, 4, 5 चलता है, ये आपका 1, 2, 3। हम क्या चाहते हैं इस 1, 2, 3, 4, 5 जो है इसको रिवर्स कर, रिवर्स ऑर्डर में ये हमारा ऑर्डर लिस्ट चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ओएल टैग के बाद डायरेक्टली आप रिवर्स लिख लीजिए, तो आपका ये जो चीज़ है ये जो लिस्ट आइटम है वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5, 4, 3, 2, ठीक है, रिवर्स हो गई है और रिवर्स ऑर्डर में आ गई है। तो ये है आपका ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर हमें ये चीज़ें देख लेंगे। बाद में भी हमने आप चाहें तो इसे आप फॉर्मेटिंग टैग के थ्रू यूज करके इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, आपका यूज करना है। हम लास्ट लेक्चर में देखा था, इसलिए हमने इस लेक्चर में जो है फॉर्मेटिंग टैग का यूज नहीं करने वाले हैं। तो ये रहा आपका ऑर्डर लिस्ट, हमने ऑर्डर लिस्ट भी पढ़ लिया, ऑर्डर लिस्ट भी पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, हम अब जो बात करेंगे वो हम इमेज टैग के ऊपर बात करेंगे, इमेज टैग क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाद बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा,
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।